जय हिंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं PC1 भारत न्यूज़। खबर जनपद मिर्जापुर से। आपको बता दें कि मिर्जापुर के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का स्थानांतरण होने के बाद मिर्जापुर की नई जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने आज माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके आज संभालेंगी मिर्जापुर का बागडोर अपने हाथों से। जी हाँ, आपको बता दें इससे पहले ये मिर्जापुर में मुख्य विकास अधिकारी के पद पर भी रह चुकी हैं और कार्य कर चुकी हैं। ये इनकी मिर्जापुर में दूसरी पोस्टिंग है। हालांकि इससे पहले ये मुख्य विकास अधिकारी CDO के पद पर यहाँ पर कार्य कर चुके थे, लेकिन इस बार ये जिलाधिकारी बन के आई हैं। जी हाँ, आपको बता दें मिर्जापुर की नई जिलाधिकारी बनी प्रियंका निरंजन ने आज माता विंध्यवासिनी का दर्शन किया एवं आज CEO मिर्जापुर का कार्यभार संभालेंगी। आपको बताते चले कि इससे पहले ये बस्ती की जिलाधिकारी रह चुकी हैं। बस्ती से उनका स्थानांतरण मिर्जापुर के लिए हुआ। वहीं मिर्जापुर के जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी का स्थानांतरण मिर्जापुर से बस्ती के लिए हुआ, जहां एक तरफ जनता में शोर है, जनता एक प्रकार से अपने आप को दुखद महसूस कर रही है कि मिर्जापुर की जो जिलाधिकारी दिव्या मित्तल जी थी, उन्होंने मिर्जापुर में एक नया आयाम एवं मिर्जापुर के लोगों के दिल के अंदर अपनी जगह बना ली थी। ये बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने खुद भावुक पोस्ट दिया कि मिर्जापुर हमारे लिए हमेशा हमारे दिल में रहेगा, हमें अपने शरीर का एक भाग, अपने दिल का एक भाग मिर्जापुर के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। मिर्जापुर में हमारा हमेशा एक भाग मिर्जापुर के लिए रहेगा, ये जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने खुद कहा था। लेकिन उनका स्थानांतरण बस्ती के लिए हो गया है। वहीं हमारी नई जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन आज माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करके आज से अपना कार्यभार संभालेंगे। देखिए, हमारी खास खबर हम आपको बताएंगे। इनके लिए भी हमारे चैनल की तरफ से इनके कार्यभार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हमारी खास खबर। मिर्जापुर से हमारे संवाददाता प्रकाश सिंह की रिपोर्ट, देखते रहे PC1 भारत न्यूज। माता रानी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने पुनः सेवा का अवसर दिया है। और इसके साथ मेरी प्राथमिकता होगी कि शासन की प्राथमिकता हो कि हमको विकास कार्यों को गति देना और जो ये माँ का धाम का जो कार्य अभी उसको शीघ्र पूरा करवाना। इसके साथ ही जिले की जो भी समस्याएं हैं उनका गुणवत्तापूर्ण और लोगों की शिकायतों का और अन्य सभी समस्याओं का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित।